नमस्कार दोस्तों, मैं विशाल पांडे, आपका करियर काउंसलर। तो आज के इस वीडियो में हम जानने की कोशिश करेंगे अबाउट इंजीनियरिंग। इंजीनियरिंग एक बहुत ही ज्यादा फेमस करियर ऑप्शंस है, ना सिर्फ बच्चों में बल्कि एडल्ट्स में भी। तो बहुत सारे पेरेंट्स भी ऐसे हैं जो अपने बच्चों को पैदा होते ही ये बोलते हैं कि यार मेरा बच्चा बड़ा होकर इंजीनियर बनेगा। तो बेसिकली इंजीनियरिंग क्या है? So engineering is an application of knowledge in the form of science, mathematics and empirical evidences to innovate, design, construction, operation, machines, materials, softwares, devices, systems and so on. तो अगर बहुत ही जनरल टर्म्स में इंजीनियरिंग को समझना जाए तो ऐसे साइंस और मैथमेटिक्स से रिलेटेड नॉलेज का एप्लीकेशन उन फील्ड्स में जहां पर उन्हें अप्लाई कर कर कुछ नया बनाया जाए, नया क्रिएट किया जाए, वो है इंजीनियरिंग। तो आज की इस वीडियो में हम जानने की कोशिश ये करेंगे कि इंजीनियरिंग की कितने सारे ब्रांचेस हैं, किस जगह पर इंजीनियरिंग यूज होता है, कहां पर यूज होता है, कितने तरीके के इंजीनियरिंग ब्रांचेस होते हैं और आपके लिए क्या सुटेबल है। तो आइए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, इंजीनियरिंग जो डिराइव हुआ है ये एक वर्ड से डिराइव हुआ है जिसका मतलब है क्लेवरनेस, चतुरता। जिस वर्ड का मतलब ही क्लेवरनेस है, इसका ये मतलब कि आपने जितनी चीजें अपने प्रैक्टिकल लाइफ में साइंस और मैथमेटिक्स से रिलेटेड पढ़ी हैं, आप उसको अप्लाई कर कर क्या नया प्रोड्यूस कर सकते हैं, ये होती है इंजीनियरिंग। ट्रेडिशनली अगर देखा जाए तो 4 तरीके की इंजीनियरिंग होती है: केमिकल इंजीनियरिंग, सिविल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, मैकेनिकल इंजीनियरिंग। इसके अलावा इंटरडिसिप्लिनरी इंजीनियरिंग भी होती है जो बाकी 4 इंजीनियरिंग को तोड़ मरोड़ कर जोड़ कर एक नया इंजीनियरिंग फील्ड निकाला जा सकता है। तो दोस्तों, सबसे पहले हम जानने की कोशिश करते हैं कि केमिकल इंजीनियरिंग क्या है और उसकी सब डिसिप्लिन्स क्या है। तो केमिकल इंजीनियरिंग अगर बेसिकली आप समझो तो जितनी भी चीजें केमिस्ट्री से रिलेटेड है, केमिकल्स से रिलेटेड है, वो सारा कुछ केमिकल इंजीनियरिंग के अंदर आता है। तो केमिकल इंजीनियरिंग के अंदर बेसिकली 5 सब डिसिप्लिन्स आते हैं, जैसे कि बायोमॉलिक्यूलर इंजीनियरिंग, मटेरियल इंजीनियरिंग, मॉलिक्यूलर इंजीनियरिंग, प्रोसेस इंजीनियरिंग, कोरोजन इंजीनियरिंग। अब हर इन इंजीनियरिंग के अंदर और भी सब डिसिप्लिन्स हैं जो आप इस समय स्क्रीन पर देख सकते हैं। सो दूसरे ट्रेडिशनल इंजीनियरिंग की अगर हम बात करें तो वो है सिविल इंजीनियरिंग। तो दोस्तों, सिविल इंजीनियरिंग जो है वो बिलोंग करता है किसी भी टाइप ऑफ स्ट्रक्चर डेवलपमेंट से। तो आपने अगर कहीं पर भी मैन मेड स्ट्रक्चर्स देखे हैं तो बेसिकली वो एक सिविल इंजीनियर का काम है। तो वो स्ट्रक्चर कुछ भी हो सकता है, आपका घर, एक रोड, एक मल्टी स्टोरी बिल्डिंग, एक ब्रिज, एक रेलवे ब्रिज से लेकर एक डैम तक। हर ये चीज जहां पर स्ट्रक्चरल चीजों की बात होती है या कुछ डेवलप किया गया है, वो सारा कुछ सिविल इंजीनियरिंग के अंदर आता है। तो सिविल इंजीनियरिंग के बेसिकली 7 सब डिसिप्लिन्स होते हैं, जैसे कि एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग, जियोटेक्निकल इंजीनियरिंग, स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग, माइनिंग इंजीनियरिंग, ट्रांसपोर्ट इंजीनियरिंग, यूटिलिटी इंजीनियरिंग, वाटर रिसोर्सेज इंजीनियरिंग। और हर इन इंजीनियरिंग सब डिसिप्लिन्स के अंदर जितनी भी और सब डिसिप्लिन इंजीनियरिंग होती है वो आपकी स्क्रीन पर। तो तीसरा जो बेसिक ट्रेडिशनल इंजीनियरिंग है वो है इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग। तो इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग वो है जहां पर हम इलेक्ट्रिसिटी की बात करते हैं। हर वो चीज जो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करती है या इलेक्ट्रिसिटी से चलती है, उसके डिजाइन, डेवलपमेंट, मेंटेनेंस जो है वो इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के अंदर आता है। इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के अंदर जो सब डिसिप्लिन्स हैं वो है इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग, कंप्यूटर इंजीनियरिंग, पावर इंजीनियरिंग एंड ऑप्टिकल इंजीनियरिंग। इन चारों के अलावा जो सब डिसिप्लिन्स हैं, इन चारों की वो आपकी स्क्रीन पर है। चौथा और सबसे ज्यादा फेमस अगर ट्रेडिशनल इंजीनियरिंग की हम बात करें तो वो है मैकेनिकल इंजीनियरिंग। द स्कोप, द सब डिसिप्लिन्स एंड सब डिसिप्लिन्स ऑफ मैकेनिकल इंजीनियरिंग इज ब्रॉड। तो बेसिकली जो सब डिसिप्लिन्स मैकेनिकल इंजीनियरिंग के अंदर आते हैं: अकॉस्टिकल इंजीनियरिंग, मैन्युफैक्चरिंग इंजीनियरिंग, ऑप्टोमैकेनिकल इंजीनियरिंग, थर्मल इंजीनियरिंग, स्पोर्ट्स इंजीनियरिंग, व्हीकल इंजीनियरिंग, पावर प्लांट इंजीनियरिंग, एनर्जी इंजीनियरिंग। तो ये वो बेसिक कुछ सब डिसिप्लिन ऑफ इंजीनियरिंग मैकेनिकल इंजीनियरिंग थे और इन सब डिसिप्लिन के अंडर ऑब्वियस सी बात है बहुत सारे सब डिसिप्लिन ऑफ इंजीनियरिंग आते हैं। तो दोस्तों ये तो हुई बात उन चार ट्रेडिशनल इंजीनियरिंग ऑप्शंस की जो बेसिकली चले आ रहे हैं और इसके अलावा जितने भी मॉडर्न इंजीनियरिंग ब्रांचेस है वो इन चार ट्रेडिशनल इंजीनियरिंग ब्रांचेस से ही निकली हैं और उन्हें हमने नाम दिया है इंटरडिसिप्लिनरी इंजीनियरिंग्स। सो इंटरडिसिप्लिनरी इंजीनियरिंग के अंदर क्या चीजें आती हैं? एरोस्पेस इंजीनियरिंग, एग्रीकल्चरल इंजीनियरिंग, अप्लाइड इंजीनियरिंग, बायोमेडिकल इंजीनियरिंग, बायोलॉजिकल इंजीनियरिंग, बिल्डिंग सर्विसेज इंजीनियरिंग, एनर्जी इंजीनियरिंग, इंफॉर्मेशन इंजीनियरिंग, इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग, मैकाट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग, इंजीनियरिंग मैनेजमेंट, मिलिट्री इंजीनियरिंग, नैनो इंजीनियरिंग, न्यूक्लियर इंजीनियरिंग, पेट्रोलियम इंजीनियरिंग, प्रोजेक्ट इंजीनियरिंग, रेलवे इंजीनियरिंग, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, सिस्टम्स इंजीनियरिंग एंड टेक्सटाइल इंजीनियरिंग। तो देखा आपने कितने सारे इंजीनियरिंग करियर ऑप्शंस हैं आपके पास अवेलेबल हैं। आपको सिर्फ ये चुनना है कि आपके लिए कौन सी इंजीनियरिंग अच्छी है, जिसके लिए हम आने वाले वीडियोस में और भी बहुत सारी डिटेल्स लेकर आएंगे जिन डिटेल्स की हेल्प से आप डिसाइड कर पाएंगे कि आपको किस ट्रेडिशनल इंजीनियरिंग में या फिर कुछ मॉडर्न इंजीनियरिंग में जाना चाहिए। तो आने वाले समय में और भी बहुत सारे ट्रेडिशनल इंजीनियरिंग के ऑप्शंस बाहर मार्केट में निकलने वाले हैं और हमेशा अपनी आंखें अपनी सोच खुली रखिए, ये जानने की कोशिश कीजिए कि फ्यूचर किस चीज का है, कौन सी इंटरडिसिप्लिनरी इंजीनियरिंग करने से आपको ज्यादा फायदा हो सकता है या आपको ट्रेडिशनल इंजीनियरिंग करने से ज्यादा फायदा हो सकता है, जो भी आपने अपने करियर के बारे में सोच रखा है। तो आने वाले वीडियोस में हम और ज्यादा डिटेल में बात करेंगे हर एक ट्रेडिशनल इंजीनियरिंग के बारे में एज वेल एज नॉन ट्रेडिशनल या इंटरडिसिप्लिनरी इंजीनियरिंग के बारे में। तो अगर ये वीडियो आपके लिए इंफॉर्मेटिव था तो इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, अपने इंजीनियर्स दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, अपने पीसीएम वाले दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, क्योंकि इंजीनियरिंग करने के लिए ऑब्वियसली बात है आपको 11वीं 12वीं में बेसिक पीसीएम लेकर पढ़ना पड़ता है। और अगर आप इंजीनियरिंग कर रहे हैं और आप शिफ्ट करना चाह रहे हैं अपना स्पेशलाइजेशन तो भी आपको ये सारे सीरीज ऑफ वीडियोस बहुत ज्यादा हेल्प कर सकते हैं। थैंक यू, हैव अ ग्रेट करियर।